अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर, और शॉपिंग पर जाने की वजह क्या है वो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊँगी। अभी मैंने जो है वो ये अपना आउटफिट डिसाइड किया है जो मैं आज पहन रही हूँ। ये शर्ट जो है वो मैंने जनरेशन से ली थी, बहुत प्यारी शर्ट है, पिंक कलर की, शॉकिंग पिंक कलर की। इसके साथ वैसे तो मैं ट्राउज़र पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको मैं जीन्स के साथ पहनूँ, तो ये वाली जीन्स मैं इसके साथ पहन रही हूँ। और ये बैग मैं कैरी कर रही हूँ, ये वाला बैग भी बहुत प्यारा लगता है इस शर्ट के साथ, मल्टी कलर का और पिंक के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। ये बैग मैंने संडे बाज़ार से लिया था, टोट बैग है, बहुत सिंपल सा। और ये जो जीन्स है ये मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ली थी, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है ELO के नाम से, वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में जीन्स मिल जाती हैं, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ज्वेलरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनूंगी, बस ये छोटी सी झुमकी है सिल्वर कलर की मेरे पास, ये मैं इस आउटफिट के साथ पहन लूँगी। काफ़ी सिंपल सा प्लेन सा आउटफिट है, शॉपिंग के लिए बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये है आज का मेरा आउटफिट, और इसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है। अब बस जल्दी जल्दी मैं तैयार होती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने अपना जो है वो ये जनरेशन की शर्ट पहन ली है, साथ में मैंने ये बैग कैरी किया है। मेकअप मैंने बहुत लाइट किया है क्योंकि बस मुझे थोड़ा बहुत काम है वो मैं करके फ़ौरन आ जाऊँगी, तो इतनी मेकअप की नीड नहीं है। आउटफिट डिटेल्स जितनी भी हैं वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ लास्ट क्लिप में, बाकी अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मॉल में। मैं आ गई हूँ डोलमेन मॉल, और बेसिकली मैं जो है वो एक वर्क ट्रिप पे जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और मेरे पास डेज़ बहुत कम हैं क्योंकि कल 14 अगस्त है, कल प्रॉबेबली सब बंद होगा, और 15 को मेरी फ़्लाइट है। ओके, तो मैं अभी आ गई हूँ मॉल, डोलमेन मॉल में हूँ, और यहाँ पर इतना रश है क्योंकि कल जो है वो 14 अगस्त है और सेल भरपूर लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा रश है। अब पता नहीं जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। कोशिश मैं कर रही हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से जो जो चीज़ मिल रही है वो लूँ और निकलूँ, बहुत ज़्यादा रश है। अभी मैं जा रही हूँ एथनिक, देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। अब मैं आ गई हूँ एथनिक पर, और यहाँ मैं ये वाली शर्ट ट्राई करके देख रही हूँ। इस पर जो है वो फ्लोरल प्रिंट हुआ हुआ है, प्रिंटेड शर्ट है ये, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई, नेकलाइन पर इसकी लेस डिटेलिंग हुई हुई, और स्लीव्स पर भी जो है वो लेस लगी हुई है। सिंपल सी शर्ट है, फ्रॉक स्टाइल है, लॉन्ग लेंथ है इसकी, लेकिन मुझे कुछ ना फॉर्मल में चाहिए, और ये फॉर्मल में नहीं आएगी, ये कैजुअल सी शर्ट लग रही है। डोलमेन मॉल वाला एथनिक जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे मैंने इनके आउटलेट्स देखे हैं, लेकिन ये वाला जो है वो सबसे बड़ा है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। ये ब्लैक वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, इसकी बड़ी खूबसूरत सी जो है वो नेक लाइन है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसको हम रहने ही देते हैं। ग्लासेस की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, कूल से, फंकी से, ट्रेंडी से सनग्लासेस इनके पास मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए ये, बस मैं इनको ऐसे ही देख रही हूँ। होता है ना कि आप शॉपिंग कुछ करने जाते हो लेकिन आप देख कुछ और रहे होते हो, तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल वही हो रहा है। अच्छा, इनके पास ना बहुत कूल सी प्रिंटेड शर्ट्स आई हुई हैं, और इसकी प्राइस जो है वो 2890 है, 3000 रुपये तक की है। ये देखें कितने प्यारे प्रिंट्स लग रहे हैं इसके। एथनिक पर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप ये टॉप देखें कितनी प्यारी लग रही है, वाइट कलर की। ये ब्लैक वाली भी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, इसकी प्राइस आई थिंक 3000 रुपीज़ हैं। काफ़ी कॉस्टली हैं ये, लेकिन क्यूट बहुत लग रही हैं। अच्छा, मुझे ना अपने लिए कोई ईस्टर्न में चाहिए, शलवार कमीज़ दुपट्टा पूरा कंप्लीट सूट चाहिए, लेकिन वो मुझे कोई भी इतना अच्छा नज़र नहीं आया, और अगर कुछ अच्छे भी लगे तो उनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, कोई 20000, कोई 25000 तक का था। अब मैं जो है वो खाड़ी आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लिटरली। अब मैं सैफ़ायर आ गई हूँ कि यहाँ से कुछ देखती हूँ, अगर मुझे कुछ सेमी फॉर्मल फॉर्मल में कुछ मिल जाता है। एक ये वाला ड्रेस मुझे सामने दिखा था, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देख लूँ, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था पहन के, ये बिल्कुल नाइट सूट लग रहा था, इसलिए मैंने जो है वो इसको नहीं लिया। ड्रेस तो मुझे लग रहा है कि आज नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसे ही घर जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि बस मिनीसो पे आके जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले लेती हूँ। ये ट्रैवल बॉटल सेट जो है वो मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम से, बहुत कन्वीनियंट रहता है, इसमें आप जो है वो अपना फ़ेस वॉश, इसके अलावा हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें डाल सकते हैं, और इसको ईज़िली जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्लीपिंग मास्क मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा कि मिनीसो आई हूँ तो इसको भी ले ही लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत काम आता है ट्रैवल के वक्त आपके। तो इसमें मैं जो है वो कलर डिसाइड कर रही हूँ। ब्लू वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये वाला जो है वो मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्यों ना पिंक लिया जाए। तो बस फिर मैंने ये वाला जो पिंक पहले उठाया था ना, इसको मैंने फ़ाइनल कर लिया और ये मैंने ले लिया। मिनीसो पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं, दिल चाहता है सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे अपने बजट में भी रहना था। अब मैं आ गई हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के स्टॉल पर और यहाँ से जो है वो मैं आईब्रो किट लेने आई हूँ क्योंकि जो मेरे पास थी इसी कंपनी की आईब्रो किट वो ख़त्म हो चुकी थी और आगे मुझे ट्रैवल करना है। तो फिर मैंने कहा कि ये भी हाथ के हाथ जो है वो ले लेती हूँ। इस पर 30% ऑफ लगा हुआ है क्योंकि इनकी कोई आज़ादी सेल चल रही है। तो फिर मैंने जो है वो ये आईब्रो किट ले ली यहाँ से। ओके, तो अभी तक मैंने बीचस्ट्रीट से सिर्फ एक ट्राउज़र लिया है ब्लैक कलर का और एक मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन से आईब्रो किट ली है क्योंकि वो मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। बाकी मुझे एथनिक से कुछ भी नहीं मिला तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास कलेक्शन थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, लेकिन मुझे अच्छी खास नहीं लगी कुछ। पहन के भी मैंने एक ड्रेस देखा है, वो मैंने आपको शायद दिखाया हो, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अभी मैं आउटफिटर्स जा रही हूँ, वहाँ पर देखती हूँ क्या मिलेगा मुझे। अगर कुछ समझ आया तो ले लूँगी, नहीं तो फिर हम घर चले जाएंगे बस, और जो मेरे पास घर में होगा बस उसी से ही जो है मैं गुजारा करूँगी। अब मैं आ गई हूँ आउटफिटर्स पर और आजकल जो है वो डेनिम स्कर्ट्स का बड़ा फैशन चला हुआ है और यहाँ पर भी मुझे 2 स्कर्ट्स नज़र आए तो मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। काफ़ी प्यारे लग रहे थे ये, लेकिन जब मैंने इनको पहन के देखा तो इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आ रही थी इनकी। आउटफिटर से एक जीन्स लेने के बाद अब मैं अलमास आ गई और यहाँ पर मेरे फजूल खर्चे शुरू हो गए। मुझे इन हील्स की ज़रूरत नहीं है और मुझे प्लीज़ कोई रोक ले। बहुत मुझे प्यारी लग रही है लेकिन दिल भी कर रहा है कि ले लूँ। अब मैं यहाँ कुछ खाने आ गई हूँ, बहुत भूख लग रही है। घर जाकर मैं आप लोग के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है एक इंस्टाग्राम पेज से और उन्होंने मुझे ये ब्लैक शर्ट भेजी है, तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और इसको अपनी स्टोरीज़ पर लगाती हूँ। बहुत सारे काम करने को रह गए हैं। आज 14 अगस्त है, कल सुबह मेरी फ़्लाइट है 7 बजे और पैकिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जल्दी जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर पैकिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मुझे जो PR रिसीव हुआ है जो इसकी अभी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी वो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इंस्टाग्राम पे तो मैंने स्टोरीज अपलोड कर दी हैं। इंस्टाग्राम पे ही एक पेज है सेपरेट्स के नाम से, उन्होंने मुझे ये शर्ट भेजी है। हसीन शर्ट है ये, ब्लैक कलर की। ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है। इस पर जो है ये देखें खूबसूरत सी वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये इसकी जो है वो ओवरऑल लुक है। बेसिक सी शर्ट है लेकिन जिस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई हुई है ना और जो इसका लुक आ रहा है वो बहुत प्यारा है। अच्छा, ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा सी थ्रू भी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन सबसे अच्छी मुझे इसकी ये बात लगी कि इन्होंने इसके साथ जो है वो अलग से इनर भी भेजा है। मतलब कौन करता है, ब्रांड्स जो है वो आप खाड़ी पे जाएं या सैफायर पे, आपको ज़्यादातर जो है वो अगर सी थ्रू कपड़े मिलेंगे तो उसके साथ इनर नहीं देते वो लोग, लेकिन इन्होंने जो है वो अलग से इसके साथ जो है वो इनर भी दिया है। आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये बड़ी हसीन सी शर्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सेपरेट्स के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स हैं इनके पास, लेकिन ये वाली जो शर्ट है ना बहुत हसीन शर्ट है। इसको मैं जल्द से जल्द जो है वो स्टाइल करूँगी और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसका फुल लुक। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो शर्ट दिखती है। तो कल मैंने अपना व्लॉग एंड किया था जब मैं खाना खा रही थी और आपको मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से घर जाके जो है वो अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। घर आकर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो ये नेक्स्ट डे है, यानी आज जो है वो 14 अगस्त की रात हो रही है और सुबह मेरी फ़्लाइट है, उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है। मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या कल ख़रीद के लेके आई हूँ। मैंने सोचा था कि अलग से बैठ के एक जगह ना आप लोगों को दिखाऊंगी सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं बचा। अभी हो रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं और सुबह 5 बजे मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है और इन सारे जो भी चीज़ें इनको मुझे पैक करना है, तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने मिनीसो से ली हैं। एक मैंने ये जो है वो क्यूट सा मेकअप पाउच लिया है, इसमें 2 कलर्स थे, एक ब्लैक और एक ग्रे। मैंने ये ग्रे वाला पिक किया है, बहुत क्यूट लग रहा था। और मैं ज़्यादा मेकअप कैरी नहीं करूँगी, बस कंसीलर, मस्कारा, लाइनर, ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, तो आई थिंक ये परफेक्ट साइज़ है मेकअप के लिए। इसके बाद मैंने जो है वो ये स्लीपिंग मास्क लिया है, ट्रैवल में इसकी बहुत ज़रूरत होती है और ये मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने एक ये ले लिया पिंक कलर का। अच्छा, इसके बाद ही मैंने आप लोगों को एक ये और दिखाया भी था, ये बॉटल सेट है, ये भी ट्रैवल में बहुत काम आता है क्योंकि आपका फेस वॉश जो होता है, मॉइस्चराइज़र, वो इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स में होता है, उसको आप जो है वो 2-3 दिन के ट्रिप के लिए कैरी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये ले लिया, इसके अंदर जो है मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी, जो भी मेरा मॉइस्चराइज़र है, जो फेस वॉश है, इसके अलावा ये जो है इसमें मैं अपना फेस पाउडर वगैरह जो है वो डाल दूँगी, क्योंकि इसका बहुत बड़े बड़े जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसको मैं साथ लेके नहीं जा सकती, तो ये उसके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, फिर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन से जो है एक चीज़ ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मैंने आपको वीडियो में बताई भी थी ये चीज़। जो मेकअप रेवोल्यूशन से मैंने जो है वो अपने लिए ये आईब्रो किट ली है, बहुत अच्छी होती है, इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने ली है। सेल पे से मुझे ये मिली है 1000 रुपीज़ की। जो मैंने एथनिक से एक शर्ट ली थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाली शर्ट जो थी ये मैंने एथनिक से ली थी, एक मिनट। अच्छा, इसको मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी था जब मैं आपको शर्ट्स बता रही थी कि बहुत क्यूट सी शर्ट्स आई हुई हैं एथनिक पे, तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं ली, लेकिन जब मैं आगे गई तो मुझे लगा कि शायद मुझे ले लेनी चाहिए, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे ये ब्लैक और वाइट शर्ट, तो फिर ये मैंने ले ली। इसकी प्राइस जो थी वो है 2890 रुपीज़, और इसको मैं अभी जो है वो एयरपोर्ट जब जाऊंगी तो ये शायद मैं पहनूं, तो उस वक्त मैं आप लोगों को जो है वही दिखा दूंगी खोल के कैसी लगती है दिखने में। थोड़ी बड़ी सी शर्ट है, लेकिन लॉन्ग लेंथ है, इसकी शॉर्ट नहीं है बिल्कुल, और साइज इसका 24 है, और प्राइस मैंने आपको बता दी है। आउटफिटर से मैंने जो है वो एक जीन्स ली है, बहुत ही क्यूट सी ब्लू कलर की जो है वो ये जीन्स है, ओके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सॉरी, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो ये गिर गया। खैर, ये इस तरह से जो है वो जीन्स दिखती है, ये देखें, इसमें बहुत सारी पॉकेट्स है, बहुत क्यूट सी लग रही है ये देखें, ठीक है। तो ये वाली जीन्स ली थी, ये मुझे 4000 रुपीज़ की आई थिंक मिली थी, बहुत क्यूट लग रही है, तो इसको मैं शायद ब्लैक वाली जो मैंने आपको एथनिक से शर्ट अभी दिखाई है उसके साथ मैं इसको शायद पेयर करूं, और ये मेरा जो है वो क्यूट सा एयरपोर्ट लुक हो जाएगा। मास्क से मैंने जो है वो हील्स ली हैं, और ये मैंने आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो में दिखाई है, मेरा लेने की कोई इंटेंशन नहीं थी, प्लस ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, इसकी प्राइस 7500 रुपीज़ थी। अब पहले मुझे लगा कि सेल पे है, और जब मैंने पहन के देखी तो उन्होंने कहा कि इस पर कोई सेल नहीं है, ये न्यू अराइवल है, लेकिन इतनी प्यारी लग रही थी ये कि मैंने कहा कि अब अच्छी लग रही है तो बस ले लो। तो ये मैंने जो है वो हील्स ली हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर, मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ पहन के भी, तो इतनी कोई वो नहीं है, ठीक है। ये देखें, इतनी हसीन ये हील है, मुझे इतनी प्यारी लग रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरी फेवरेट ये हील्स हैं, और मैं इसको अब हर जगह जो है वो आपको पहन के दिखाऊंगी, हर जगह हर आउटफिट के साथ ये चल भी सकती है, क्योंकि ब्लैक कलर है इसका, तो ये हर आउटफिट में चल जाती है। तो ये वाली मैंने जो है वो हील्स ली हैं, ये मैं अपने साथ जो है वो लेके जा रही हूँ ट्रिप पर, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये थी मेरी सारी शॉपिंग। अब जो है बस मुझे एक काम करना है कि ये सारी चीज़ें मुझे अपने जो है वो सूटकेस में डालनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, 12:30-1 बज रहे हैं बल्कि रात का, और 3-4 घंटे में मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो अब मैं आप लोगों से जब मैं पैकिंग कर रही होंगी थोड़ी बहुत वो दिखा दूँगी आपको, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी एयरपोर्ट जाके। अपडेट, तो मैंने अपना सारा सामान जो जो मुझे लेकर जाना है वो मैंने बाहर निकाल के रख लिया है, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। यहाँ पर मेरे सारे कपड़े हैं जो कि मैं लेके जाऊँगी अपने साथ, ये जीन्स जो है वो मैं एयरपोर्ट पे पहनूँगी, इसके अलावा ये वाली जो शर्ट है ये भी मैं सोच रही हूँ एयरपोर्ट पे पहनूँ, एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मेरा ये मेकअप पाउच है, इसके अलावा मेरा वॉलेट है एंड कार्ड्स हैं, यहाँ सारी टॉयलेटरीज़ हैं, और ये मैंने आपको दिखाया था मिनीसो से जो मैं बॉटल सेट लेके आई थी, उसके अंदर मैंने अपना फेस वॉश और ये सब कुछ जो है वो रख दिया है, इसके अलावा ये परफ्यूम है, देन ये स्लीपिंग मास्क है, इसके अलावा ये वाला जो ड्रेस है ना, मैं कल जब शॉपिंग पे गई थी तो मैं आपको कह रही थी कि मुझे एक फॉर्मल सूट चाहिए, तो ये जो है ना ब्लैक वाला, ये मेरे पास घर में ऑलरेडी रखा हुआ था, न्यू है, मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है, तो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत भी है, तो ख़रीदने से अच्छा है, क्योंकि कल कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था और ये बताया भी था कि मैंने बहुत ढूंढा एथनिक पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जो घर में है उसी को ही यूटिलाइज़ करूँगी और यही जो है वो मैं साथ लेके जा रही हूँ अपना। तो ये जो सेमी फॉर्मल बेसिकली अवार्ड नाइट होगी एक, उसमें मुझे जो है वो ये सेमी फॉर्मल ड्रेस पहनना है। तो ये 2 पीस ड्रेस है और कल ट्राउज़र में बीचस्ट्रीट से ले आई थी, तो ये एक कंप्लीट सूट हो गया। इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है ना, ये ड्रेस है और ये भी मैं जो है वो कॉन्सर्ट होगा वहाँ पे, तो मैं इसको सर्दी भी होगी क्योंकि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ थोड़ी सी ठंड है, तो मैं डेनिम जैकेट भी साथ में लेके जाऊँगी। इस ड्रेस को मैं अपनी डेनिम जैकेट के साथ पहनूँगी। इसके अलावा ये मेरा बैग है जो मैं एयरपोर्ट साथ लेके जाऊँगी। इसके अंदर जो है वो मैं अपना चार्जर, फ़ोन, ये सब कुछ रखूँगी। साथ मेरी क्यूट सी बॉटल है, ये जो है वो अली एक्सप्रेस से ली थी। इसके अलावा ये अलमास की हील्स हैं, इसको मैं इस वाले ड्रेस के साथ पहनूँगी। ये वाला जो है ये मुझे थोड़ा सा अजरक में जो है कुछ चाहिए था, तो ये वाला ब्लैक और मरून जो है वो मुझे थोड़ा उस लिहाज से सही लगा। बाकी ये वाला मैं फ़र्स्ट डे पहनूँगी, ये मैं वापस आते हुए पहनूँगी एयरपोर्ट से। ये मेरे सन ग्लासेस हैं, इसके अलावा कुछ बॉबी पिन्स हैं, ये मेरे पीजेस हैं और ये कुछ स्लीपर्स हैं। तो ये अब तक की जो है वो प्रोग्रेस है। इस वक्त जो है वो रात के 2 बज रहे हैं और मुझे निकलना है 5:30 पे, और बस जल्दी जल्दी अब मैं इसको सबको बैग में डालती हूँ और इसको पैक करती हूँ। ओके, तो पैकिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट। शुक्र है, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे निकलने में सिर्फ 1-1.5 घंटा रह गया है। अब मैं सोचूं क्या ही मैं जो है वो सोऊं, नींद भी पूरी नहीं होगी। तो अभी मैं जो है वो फ़िलहाल जाग रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रखूँगी। कल जो है वो मैं एक नया व्लॉग बनाऊँगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए, क्योंकि मेरी जो चैनल है उस पर ज़्यादातर शॉपिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार व्लॉग्स भी आप लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस व्लॉग को मैं रखूँगी यहीं तक। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, प्रॉबेबली एयरपोर्ट पे या फिर होटल पहुँच के। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।